हेलो चिल्ड्रन, दिस इज़ दी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर फर्स्ट. ओके, सो वी हैव टू सी दिस. ओके, वी हैव टू इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द वर्ब. मीन्स सब्जेक्ट में हमें अंडरलाइन करनी पड़ेगी, एक लाइन खींचनी पड़ेगी सिंपल, और जो सब्जेक्ट होगा उसमें हमें ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी, और जो वर्ब होगी उसमें ऐसे सर्कल बनाना पड़ेगा. ओके, यू नो लाइन एंड सर्कल. सो ए बी सी डी ई एफ जी तक लिखा हुआ है. ई नंबर इज लेफ्ट, ऑल आर फिल्ड, है ना. सभी कुछ फिल हुआ है, बस ई नंबर छूटा हुआ है, तो हम उसी को समझ लेते हैं, है ना, क्योंकि बाकी तो आप देख ही लेंगे. सो ई नंबर इज माई फादर इज़ एन इंजीनियर. सो फर्स्ट वी नीड टू नो वॉट इज सब्जेक्ट. ओके, वॉट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट की हिंदी क्या होती है? सब्जेक्ट मीन्स करता. सब्जेक्ट मीन्स करता, जो किसी कार्य को करता है या जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है. द वर्क विच इज़ डन बाई समबडी, है ना, वो करता होता है, है ना. तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो कौन है? फादर है, है ना. माई नहीं, माई प्रोनाउन है, माई को छोड़ दो. ओके, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? फादर है. इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ पे हमें अब ढूंढना है वर्ब कौन सी है. तो एन एक वर्ब नहीं है, एन एक आर्टिकल है. इंजीनियर कोई वर्ब नहीं है, इंजीनियर एक पोस्ट होती है. तो यहाँ पे बचा क्या? इज. तो इज में हम सर्कल कर देंगे. ओके, तो हमें फादर में लाइन खींचना है और इज को सर्कल करना है. ओके, लाइक दिस वी हैव टू डू इन ऑल सेंटेंसेस. मीन्स वी हैव टू आइडेंटिफाई हु इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस एंड वॉट इज वर्ब इन दैट. ओके, सो हाउ वी विल डू. सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई कार्य किसी के द्वारा किया जा रहा है तो वो कौन है, है ना. जैसे आप सबसे पहले या तो वर्ब अगर पहचान रहे हो तो वर्ब को पढ़ लो, लिप्स, है ना. फिर उससे देखो, दो तरह से हम सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं. या तो हमें मेन वर्ब पता हो, है ना, या तो हमें सब्जेक्ट पता हो, है ना. और वैसे भी हम कुछ कॉमन सी वर्ब्स जो होती हैं, वर्ब्स जो होती हैं उनको हम जानते हैं, एज स्लीपिंग, है ना, बीटिंग, फाइटिंग, स्माइलिंग, है ना, लाफिंग, क्राइंग, प्लेइंग, रनिंग, कुकिंग, है ना. ऑल दीज वर्ब्स आर सो कॉमन टू यूज़. ओके, वी इन स्कूल व्हेन यू वर कमिंग टू स्कूल यू वर आल्सो यूजिंग ऑल दीज वर्ब्स. ओके, सो इट इज़ वेरी कॉमन. तो आपको ये वर्ब्स बहुत ईजिली पता चल जाएंगी. सिस्टर भी आपको मॉर्निंग असम्बली में कुछ वर्ब्स सिखाती थी, है ना, जब आप फर्स्ट में थे, तो याद होगा आपको. जैसे वर्ब को, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचान सकते हैं, थोड़ा सा सुन लो. जैसे हम वर्ब से क्वेश्चन कर सकते हैं, हु एंड हु का क्वेश्चन करेंगे तो कौन आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा. जब हम हु का क्वेश्चन मेन वर्ब से करें, मेन वर्ब से, है ना, हेल्पिंग वर्ब से नहीं. दो तरह की वर्ब्स होती हैं. पहला होता है मेन वर्ब, जिसको हम एम भी बोलते हैं. ओके, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि जिसे हम एच भी बोलते हैं. मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो तरह की वर्ब्स होती हैं. तो जहाँ पे मेन वर्ब होती है वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, है ना. कभी कभी एक वर्ब से भी काम चल जाता है, कभी कभी दोनों वर्ब से काम चलाना होता है. वो सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग होता है ना. तो हम यहाँ पे देखो कैसे करेंगे. ए नंबर, नितिन लिव्स इन पुणे. तो हमें लिप्स, ये लिप्स बहुत इजी सा वर्ड है जो हम कॉमनली यूज़ करते हैं, लिप्स, है ना. तो कौन रहता है पुणे में? नितिन रहता है, है ना. कौन, मैंने पूछा है ना कि हु का क्वेश्चन करोगे जब मेन वर्ब से, ये मेन वर्ब है, है ना. इज़, एम, आर, इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, है ना, विल, शैल, डू, डस, ये सारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. बाकी की जो होती हैं वो मेन वर्ब्स होती हैं, है ना. तो कौन रहता है पुणे में? नितिन रहता है. तो नितिन में हम अंडरलाइन करेंगे और लिप्स में सर्कल करेंगे. इसी तरह से बी नंबर में, द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट. कौन भोंका पूरी रात? तो डॉग भोंका. तो डॉग को हम अंडरलाइन करेंगे और बाग को सर्कल करेंगे. इसी तरह से सी नंबर, बॉयज़ में
द बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, कौन खेल रहा था फुटबॉल? बॉयज़ खेल रहे थे, तो बॉयज़ में हम अंडरलाइन करेंगे और प्लेइंग में हम सर्कल करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेइंग ही प्लेइंग भी है, वर्ब भी है, है ना, प्लेइंग भी है, वर्ब भी है, तो जहाँ पे मेन वर्ब होगी वहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब से में सर्कल नहीं करना है, ओके, जैसा कि हमने ई नंबर में किया था, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब नहीं है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एज अ मेन वर्ब है, तो यहाँ पे हमने इज में सर्कल किया, क्योंकि अब सी नंबर में हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब भी है, तो हम मेन वर्ब में सर्कल करेंगे, ओके, हेल्पिंग वर्ब में नहीं। डी नंबर, द बेबी इज स्लीपिंग, है ना। अब यहाँ पे देखो, फिर से मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब आई है, पहले हेल्पिंग वर्ब आई है, फिर ऐसा हमेशा ही होता है टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? बेबी। कौन सो रहा है? बेबी सो रही है। यहाँ पे कौन खेल रहा है? बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे और प्लेइंग में सर्कल करेंगे। यहाँ पे सो कौन रहा है? बेबी सो रही है, तो बेबी सो रही है, तो इसमें अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, सोने का काम कौन कर रही है? बेबी कर रही है, है ना। बेबी कोई भी हो सकता है, लड़का या लड़की, बेबी मीन्स बच्चा, बच्चा कोई भी हो सकता है ना, तो बेबी सो रहा है, तो बेबी सो रहा है, सोने का काम कौन कर रहा है? बेबी कर रहा है, तो इसमें अंडरलाइन करेंगे, स्लीपिंग में सर्कल करेंगे, ओके। ई नंबर तो मैंने बता ही दिया, फादर में अंडरलाइन करेंगे, इज में सर्कल करेंगे। एफ नंबर, आई गॉट अप अर्ली, गॉट अप मतलब सोकर उठना, है ना, गॉट अप वेकअप ये सारे उठने के लिए यूज़ होते हैं, तो आई गॉट अप अर्ली, कौन जल्दी उठा? आई में अंडरलाइन करोगे और गॉट में सर्कल। जी नंबर, मदर बेक्ड चॉकलेट केक फॉर मी, तो किसने चॉकलेट केक बनाया मेरे लिए? मेरे लिए बनाया किसने बनाया? मदर ने। काम कौन कर रहा है? मम्मी, तो अंडरलाइन किस में करेंगे? मम्मी में, मदर में, और बेक्ड, बेक्ड मतलब बनाना। और कोई मेन वर्ब दिख रही है क्या यहाँ पे बेक्ड के अलावा? एक आर्टिकल है, चॉकलेट एक मतलब चीज़ हो गया, सामान हो गया, केक भी एक सामान हो गया, मी एक प्रोनाउन हो गया, बचा क्या? फॉर में थोड़ी ना सर्कल करने जाओगे, है ना, तो यहाँ पे बेक्ड में हम सर्कल करेंगे, ओके। होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड, ओके। सो जब समझ में ना आए तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना, तो समझ में आ जाएगा, ओके। सो होप यू हैव अंडरस्टूड and hope this video will be helpful to you. Thanks for watching. Thank you. Have a good day.